नवनिर्वाचित सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी चले गए हैं, जिन्होंने 9.5 साल अच्छा काम किया है, और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी चुने गए हैं, तो मुख्यमंत्री जी का आज विश्वास मत है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनको पूरा विश्वास मत मिलेगा, कोई भी उनको विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो ग्रास रूट से आए हुए कार्यकर्ता है और हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए काम करने वाले नेता हैं। सारे क्षेत्र के अंदर खुशी की लहर है और मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वसम्मति से उनको आज विश्वास मत मिलेगा। क्या कारण जेजेपी के साथ? देखिए, सब पार्टियों का अपना अपना सोचना है। जेजेपी पहले भी चुनाव अलग लड़ी थी, सरकार में हमारा 4.5 साल साथ रहे। अब उनका इच्छा है कि वो लोकसभा के चुनाव में अपने लड़े 10 की 10 सीटों पर, और हमारा समझौता उनसे नहीं हो पाया। मैं उनको नई पारी की बधाई देता हूं। बाकी हमारी सरकार जो है उनके बगैर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। सेकंड बार आप मिनिस्टर बन रहे हैं, लोगों का विश्वास है? देखिए, ये तो मिनिस्टर बनाना हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव है या हमारे केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा है मेरे ऊपर, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं और ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा मेहनत से हरियाणा की जनता की सेवा करूंगा। आज फ्लोर टेस्ट है सर, बात कर रहा है, किस तरह से तैयारी है, कितने विधायकों की? तो एक सेरेमोनियल चीज है जो हो रही है, और कल डेमोस्ट्रेट हुआ 48 MLA हैं, और बीजेपी में भी अभी अनडिसाइडेड अमाउंट की बात है, कुछ मेंबर आए हैं लोग नहीं, तो एकदम नई चीज ऐसी हुई है। पर यह है कि ये तो एक सेरेमोनियल कैरी आउट करना है, हो जाएगा आराम से, हो जाएगा। जेजेपी के विधायक भी दे रहे हैं वोट, कह रहे हैं कि 5 जिधर हैं सर, कुछ इस तरह वोटिंग राइट है कि नहीं, भी इश्यू है कि नहीं, सामने 10-16 साल की रुचि नहीं है, और सरकार के लिए कोई वोट नहीं देख क्लियर है, वो तो एक लेना इस तरह से विश्वास पर किया जा रहा है, क्योंकि एक गठबंधन था उसका है, टूटने के बाद एक परंपरा है, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन टोटल कन्वेंशन है, एक अच्छी परंपरा है कि एक लीडर जब चुना गया वो लोगों के सामने, विधानसभा जो है लोगों की संपत्ति है, हम उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हमें अपना गौरव बना के रखना है, इस करके ये करना जरूरी है, और अच्छी परंपरा मनमोहन।